नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरा परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 70 अंगों का होने वाला, समय 3 घंटे का, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है, जिसमें हमारा पहला सही विकल्प दिया है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा ए वाला प्राथमिक एमिन। अब आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, कार्बोलिक अम्ल है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा बी वाला फिनॉल। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, एथिल एमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा डी वाला नाइट्रोजन। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना होगा, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला +4। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, एमिन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला sp3। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको राइट आंसर ए वाला सेकोनल आपको लगाना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है उभयधर्मी लिगेंड खालतन समयता उत्पन्न प्रदर्शित करता है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा लिंकेज आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और दूसरा आपका रिक्त स्थान दिया है उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को खालतन कर देते हैं, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा कम कर देते हैं। तीसरा आपका दिया है जेडेन केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, तीसरे यहाँ पर खालिस्तान में आपको लिखना होगा +2 आपको लिखना है। अब आपका चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, फ्लोसबर का सूत्र खालतन है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा CaF2। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पांचवे क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्या लिखना है, RnC आपको लिखना है। अब आपका सिक्स वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्लूराइसिन खालतन औषधि है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, छठे में आपको लिखना होगा प्रतिजैविक आपको यहाँ पर छठे यहाँ पर खालतन का आंसर लगाना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है आपको, सत्य अथवा असत्य आपको बताना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, पहला आपका हो जाएगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत चालक होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, हमारा सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, चौथा भी आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, पांचवा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और छठा आपका दिया, छठा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है एनिलीन, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला। और दूसरा आपका दिया धातुमल, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला। और तीसरा आपका दिया है एमिन की पहचान, इसमें आपको लिखना होगा बी वाला। और चौथा आपका दिया, चौथी में आपको लिखना होगा यहाँ पर सी वाला। और पांचवा आपका दिया है विस्फोटक, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर ई वाला, ठीक है, TNB आपको लिखना होगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या करना आपको, आर्णीय समीकरण आपको लिखना है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा K = AE - ΔE₀/RT आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा, अष्टफल की रिक्ति की संवेद संख्या कितनी होती है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 6 आपको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा सेंट मेयर
अभिक्रिया आपको लिखना होगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा पेंटाइट, पेंटाइट बंध आपको लिखना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा विटामिन ई, विटामिन ई आपको यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब इस क्वेश्चन पेपर के हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका छठा क्वेश्चन दिया है। छठे के बाद आपका सातवें क्वेश्चन में कोलरास का नियम आपको लिखना होगा, और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको ओम का नियम लिखना है। और आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आठवीं के बाद आपका यहाँ पर नौवां क्वेश्चन दिया है, नौवे के बाद आपका यहाँ पर दसवां क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको क्या करना है डीएनए तथा इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में आपको कोई दो अंतर लिखना होगा। और ग्यारहवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्यारहवें क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा बारहवां क्वेश्चन दिया है, एंजाइम क्या है, दो एंजाइमों के उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किन्हीं दो प्रोटीनों के नाम तथा स्रोत आपको लिखना है। अब आपका तेरहवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, तेरहवें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा चौदहवां क्वेश्चन दिया है, चौदहवें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पंद्रहवां क्वेश्चन दिया, पंद्रहवें के बाद आपका यहाँ पर सोलहवां क्वेश्चन दिया, जिसमें क्या करना आपको निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी आपको लिखना होगा, और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको निम्न को समझाना होगा। अब आपका यहाँ पर सत्रहवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सत्रहवें के बाद आपका यहाँ पर अठारह क्वेश्चन दिया है, अठारहवें के बाद आपका यहाँ पर उन्नीस क्वेश्चन दिया, उन्नीसवें के बाद आपका यहाँ पर बीसवां क्वेश्चन दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा बारहवीं का रसायन शास्त्र का पूरक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।